अलैकुम। मेरा नाम सैयद सफीउद्दीन है, मैं अलजुबेल कॉलोनी में रहता हूँ। आज मैं सुबह में घर पे था, हमारे दामाद साहब आए, आते ही आते मेरे को मारना शुरू कर दिए। देखो ये हाल हो गया मेरा, बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। वजह ये है कि मेरी बेटी को 3 साल से उन्हें तकलीफा दे रहा, सारे प्रूफा मेरे पास है, मौजूद है, फोड़ दिए पूरा, मौजूद है आज मेरे पास, पूरे प्रूफ मौजूद है, ये फोन के अंदर पूरे प्रूफ मौजूद है, आया सो आया मारा, पूरे बस्ती वाले गवाह है, पूरे बस्ती वाले गवाह है। मैं चाहता था कि ये कदम ना उठाऊं कि 4 लोगों में जो है ना अच्छी बात नहीं है यूट्यूब फेसबुक पे आना, लेकिन इन्होंने ये हरकत करने की वजह से, यह ऐसी बेदर्दी से मारने की वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ रहा। वजह क्या ही करने की? वजह ये है कि बच्ची जो है ना मेरे पास है, जब 6 महीने 7 महीने पहले जब बच्ची प्रेग्नेंट थी वहाँ पे मार के बेहोश कर दिया, उसके प्रूफ भी ये फ़ोन के अंदर मेरे पास है। इससे पहले मारा सो भी, 3 साल से मारा सो भी, उसके प्रूफ मेरे पास है। फोन फोड़ने की वजह यही है होने के, इसके प्रूफ जो है ना डिक्लेयर नहीं होना, इस पर कोई ऐसी बात नहीं होना, ये वजह से मेरे को फोन भी फोड़ा। फोन फोड़ने के बाद में मेरे को मारा। अब कर ले जो कर लेता है कर ले, दामाद मैं चाह रहा था केस करना तुम लोग और करो जाके बोल के भी बोल रहे। वजह क्या है करने की? अभी हुआ है 3 साल से, 3 साल से मेरे को चलता था, आज मेरे को भी मारे, अब्बू को भी मारे, कहीं को हो रहा है 3 साल। मेरे को कल आओ बोले उनके घर, उनके अम्मी की बर्सी थी, खाली बर्सी अटेंड करके वापिस आ जाओ बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि मैं पूरे को घर को लेके चारों चल बोल के नहीं बोले। कहाँ पर इनका घर? बल्लागुड़ा क्रिस्टल टाउन। और आपका? फलकनुमा अलजुबेल कॉलोनी। 3 साल से हो रहा क्या? 3 साल से जुलुम कर रहा भाई, जुलुम कर रहा। मैं क्या बोल के बताऊँ, ये फोन के अंदर सारे प्रूफ आए। नहीं बोले तो मैं कहने पीसी लखत फोटो है ये बोल तो बताती हूँ। बाकी के प्रूफानो मारे कैसा मारा? बेल्ट से मारे आपको? अब मेरे को पैटा मारा, मेरे को उन्हें लातों से मारा, कमर में मारा, मैं बयान नहीं कर सकता। बाजू वाले मेरे को संभलने नहीं दिया, बाजू वाले आके हटा दिए। कंप्लेंट अभी दिया मैं पीएस में, चंद्रन गुट्टा पीएस बल्लागुड़ा, ये बल्लागुड़ा है ना, बल्लागुड़ा पीएस में मैं कंप्लेंट दिया। ठीक है, मैं तो ये कदम नहीं उठाना चाह रहा था, यानी सुधर जाता हूँ समझा था। सैयद एजाज परवे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या कर लेता कर ले जा, कौन से पुलिस वाले को बुला लेता, बुला ले बोल के बोल रहे। ये पुलिस वालों का डर ये लोगों को क्यों नहीं है साहब? ऐसा जुल्म क्यों करते? ये पुलिस वालों का डर अगर इनको रहता, अरे डरो मत भाई, हक की बात करो, अल्लाह रसूल से डरते ना, मुसलमान है, डरो, डर के बात करो। फराइज क्या है? अपने अपने फराइज पूरे करो। मेरा मुतालिबा मेरे को इंसाफ होना और उसको जो है ना कानून के हिसाब से सजा होना। इन्हें एक नहीं, 3 बीवियां करे हुआ है, बीवियां छोड़े हुए हैं उन्होंने। ये बीवी मेरी तीसरी है, महल्ले के लोग बोले, मोहम्मद भाई बोले, ये मेरी बेटी है, महल्ले के मोहम्मद भाई बोले, फारूक नगर के, क्या नाम है जी स्कूल का? मदरसा अबू बकर सिद्दीक वाले, रिश्ता लगाए तो नमाजी परहेजगार है बोले तो दिए हम, हमको नहीं मालूम था ऑलरेडी उसके 3 बीवियां शादीशुदा है, ऐसी मारपीट करके जो है ना हकाल दिया सो है। हम भरोसा करें लोगों पे, मोहम्मद भाई पे, ये आधा घंटा पहले हुआ है। हाँ एजाज परवेज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने 4 साल से मेरे पर ये जुल्म करते हुए, अब तक मेरे अब्बू को हर हमेशा मेरे को कॉम्प्रोमाइज करा के भेज देते थे अब्बू। मैं ये नहीं चाह रही थी अब तक पुलिस कंप्लेंट होना, बल्कि हर प्रूफ मेरे पास रखते बावजूद अब आज अब्बू का फोन फोड़ के आधे प्रूफ आ दोनों खत्म कर दिए, मगर उनका जुल्म बढ़ते जा रहा, मेरे को कुछ इंसाफ होना, बस उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होना। मैं ये नहीं चाह रही थी मैं उनको छोड़ के बैठना बोल के, मगर उन्होंने चाह रहे क्या है नहीं मालूम है मेरे को। 4 साल पहले 2020-21 जी हो, 6 महीने अच्छे थे, फिर नन्ना सुसरे देवरानी देवर के भटका हुआ इतना है आदमी, बस हाथ उठाया तो मेरे को मार के ये हालत कर देता। आज अब्बू की भी वही हालत करा, इससे दूसरी बार मारा मेरे को, मेरे अब्बू को 4 शादी के 4 महीने में मारा था। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करा के चले गए, बस्ती वाले मोहम्मद भैया कॉम्प्रोमाइज करा के भिजा दिए थे। आज क्या हो गया? आज भी मेरे को लेके जाते बोल के कल बोले,
उनकी अम्मी की पर्ची थी। मैं बोली आप मेरे को मार तोड़ के मेरे अंदर बहुत डर बिठा दिए, और ये बोल रहे हैं आप बर्सी के वास्ते आओ और वापिस चले जाओ। उतना ही छे तो बोल रहे हैं, मगर बर्सी के वास्ते वापिस आके जाना नहीं चाह रही हूँ मैं। लेके जाना है तो पूरा लेके जाओ और पेपर साइन करा लो, या नहीं तो कुछ भी बोले तो नहीं पेपर नहीं साइन करता मैं, क्या उखाड़ लेते हो उखाड़ लो। तुम लोग हमला कॉम्प्रोमाइज करके पेपर खाली लिखा लेके घर को चले जाना चाह रहे थे, मगर उन्होंने मेरे को भी मारे, मेरे अब्बू को भी मारे। ये बच्चा नीचे गिर गया, मारम पीटी में ये बच्चा मेरे नीचे गिर गया पूरा, और इसके छठवां महीना प्रेगनेंसी का चलते तो मेरे को मार के गिरा दिया, तो इसको पेट में मेरे मार पड़ गया था। जब से मेरे को अब्बू करने छोड़ दिए सो नहीं नहीं लिखाई थी तब। बच्चे बोले कंप्लेंट करेंगे, मैं बोला नहीं बेटा जाने दो, होते रहता, गलती हमारी है जब इस कंप्लेंट हम नहीं करें। मेरी सबसे बड़ी गलती वही है जब मैं प्रेगनेंसी में कंप्लेंट नहीं करी।